करने आए हो? सुन लो स्टैंड अप करना रियांशी बैठो सेटल सब बढ़िया एकदम फर्स्ट क्लास क्या कुछ बचे हैं नाश्ता पानी यार अगर भूख लगी नहीं तो बैठो और बोले तो मैं कह रहा था कि मैं यहाँ इतनी मुश्किल मेहनत और इज्जत से पहुंचा नहीं हूँ जल्दी से पहुंचाऊँ ठीक है और मैं इनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता क्योंकि ये बाद में मेरा क्या हाल करेंगे मुझे ये हमारे क्लास के सीआर को रिस्पेक्ट नहीं देते यार वो बैठा सीआर है उसकी रिस्पेक्ट क्या देते हैं ये वे तो क्या देंगे तो मैं तो नहीं देने वाला तो आज मैं अपनी लाइफ के कुछ खतरनाक एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपनी लाइफ के एक्सपेरिमेंट पर उससे पहले मैं बहुत इंटेलिजेंट था फिर उसके बाद मैं इंटेलिजेंट हूँ लेकिन पढ़ाई में तो मैंने अपनी इंटेलिजेंस चालू करी फिर मैंने लोगों को रोस्ट करना चालू कर दिया एक मोमेंट के बाद तो इलेवंथ में मैंने भी वही करा जो हिंदुस्तान के बहुत सारे लोगों ने कर दिया मैंने भी खोल दिया यूट्यूब चैनल कोई गलत नहीं सोचेगा देखो बताए कमेंट वाले बहुत हमारा मैं भी हूँ तो मैंने भी सोचा था कि बिजनेस करूंगा बट बिजनेस चला नहीं बिजनेस चलेगा भी कैसे कोविड के टाइम में वो यूट्यूब चैनल के नहीं चला अलग बात है तो मैंने यूट्यूब चला छह महीने चला हाँ बहुत दिन कैसे तो हम लाइफ में कुछ चीजें होती है जो मान लेते हैं ऐसे ही कुछ चीजें होती है जो नहीं मानते इसको भूख लगी है ए तू खाना खा मरोगे सालो नहीं ए तू खाना खाना आपको तो वफादार है आ गया अर्थक्वेक सही में और मर गया हमारे साथ ही दबके बूटिंग कर लेंगे यार हम जैसे अब हम मर गए माइक का इशू हो गया तो हम जब वो कुत्ता 10 गालियां देके हमें ही दोष दे रहा है कि मैं तो 2 महीने से कह रहा था सालो कि अर्थक्वेक आ रहा है निकल लो लेकिन नहीं तुम्हें मेरे मुंह में खाना ठूस के मेरे को चुप कराते रहे मैं मोटा होकर मैं भाग नहीं पाया एक और लाइफ का मोमेंट है ये ऐसा बंदा है इस दोस्त की बात कर रहा हूँ नाम नहीं लूंगा मैं क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल है थोड़ा तो उसका नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो इतना महान है उसको उसको सुन के डर जाती है बस वो पीता नहीं है वो बस सुनेगा और उसको नेक्स्ट लेवल कॉन्फिडेंशियल ओहो ओहो ये हो जाएगा उसका तो वो कर रहा था एक दिन उसके दोस्त इसने ना मेरे को मीठी मीठी बोल के पीना चलाना चालू कर दिया मैंने पी दो घूंट मेरे को भी और इसके मुंह पे थूक दी इसके मुंह पे थूक दी उसको भी वापस से चाट के बोलते हैं भाई सही लग रही है अगली बार से तो मेरे एक दिन इसके दोस्त की कॉलेज के किसी कॉलेज फ्रेंड की पार्टी थी ये मुझे ले गया और अच्छा ही मुझे लेके गया क्योंकि वहां जो उसने हंगामा बताया आज कल तो इसने क्या करा कि इसने पी दो कप पी के मैंने से दोस्त से पूछा कि भाई इसको क्या पिला दिया अरे तो पागल हो गया ये हो गया फुल कॉन्फिडेंस फुल नशे में ये ऐसे एक टांग करके ऐसे खड़ा हुआ है तो फिर
भैया यार थोड़ा सा कंट्रोल कर, तो क्या हुआ इतना कंट्रोल बहुत ज्यादा हो गया तो आता मैं हाँ मैं इसके कॉलेज पार्टी में गया। ये मैंने इसके दोस्त से पूछा कि भाई तूने से क्या पिलाया यार, ये तो पागल हो गया। इसने उसको पिलाई थी बेनाड्रिल के दो कप, बेनाड्रिल के दो कप में ये आराम से भाई ये फुल स्वैग में वहां जो भी लड़की देख रही, मैंने इसे बोला कि भाई निकल रहे वहां जो भी लड़की देख रही भाई ये तेरी भाभी है, ये तेरी भाभी है, इसको तो पटाखा आएगा, तेरा भाई जोगिंदर आज सबको पटाखा जाएगा। जैसे हम दरवाजे पहुंचने वाले थे ये मेरा हाथ छुड़ा के भाग गया और किसी एक लड़की के ऊपर ऐसे कंधा रख के उससे बात करना, दो मिनट नहीं हुए लड़की ने इसको ऐसे दे चाटे मारा और बाद में उसे बोलते हैं कि भाई मैं लौट आ गया, कम से कम देख के तो भाग गया। इसमें ही कंट्रोवर्सी लंबी हो रही है तो हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो हम निकले कैसे ना कैसे, फिर रात के टाइम और सुबह के टाइम का टाइम ट्रैफिक पुलिस नशे में, तो सुबह के टाइम हमें ऐसे पकड़ लेते हैं और रात के टाइम ये गाड़ी बंद करके और छुपे रहते हैं। तो एकदम से हम जा रहे थे, ये बंदा गाड़ी चला रहा था, ये बोला कि भाई तेरा भाई गाड़ी चला रहा है, तो ये हम जा रहे थे, जाते जाते वो आ गया पुलिस वाला सामने से, मैंने ब्रेक ऐसा पकड़ के रोका नहीं तो भाई दिक्कत हो जाती, ये उसको भी उड़ा देता है। तो फिर पुलिस वाला बोलता है शाहरुख खान जा रहे एक्सीडेंट कर लिए, बोला लाइसेंस तो मेरे पास नहीं है यार, अगले साल आईटीएस निकालेगा। हंसी नहीं आ रही तो यार कम से कम अच्छे से तो हंस गया एक्सप्रेशन, चुड़ैल नहीं बनना है यार तू अपना खेल तो ये मस्ती अच्छा मतलब तूने मान लिया कि तू दूसरा वो रहा है थोड़ा सा हमारे सहानी जी। फिर मैं गाड़ी रोके ये मैं पुलिस वाले से बोल रहा रिक्वेस्ट करा कि भाई मैं जाने दो, ये बंदा जेब में से पान निकाला और पान निकाल के खाते खाते भाग गया, ये मुझे कहता है हा 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 उठ तो और भाग गया यार, ये इतना छोटा था आया तो कि भाई मेरे घर पे ना मम्मी पापा नहीं है तो मैं चला जाता हूँ, ठीक है तो मैं गया और भाई साहब इसके घर पे मैंने जो देखा ओ हो मैंने अपना सर गया माथा फोड़ लिया दीवार पे जाके, लेकिन दीवार फोड़ नहीं सकता था क्योंकि इसके घर पे इतना पान खाते हैं कि भाई आप उसको पेंट कर सकते हो इतना पान लगा रहते घर पे। तो इसके घर पे सुबह दो दो पुड़िया बच्चों को ये सुपारी खिला रहे, फिर दिन में मैं खाना खाया, दिन में मोटी बनी थी दाल, इन्होंने धनिया होता है धनिया की जगह इन्होंने पेस्ट कर उसमें टॉपिंग डाल रखी थी, पान के पत्ते जिसमें चटनी लगी हुई उसे काट के भी डाल रखा था, ये उनकी टॉपिंग है और उसमें मीठी मीठी लग रही है। फिर शाम हुआ, शाम को भी इनका पान मस्त चल ही रहा है वो नशे में, फिर भरोसा मेरा रात को उठ गया, जब रात को मैं खाना खाने बैठा इनके घर, सब्जी बनी थी कोई से अजीब सी, अब देखो यार आज की सब्जी में ऐसा होता है कंकड़ पत्थर आ जाते हैं, ठीक है तो मैंने देखा कंकड़ पत्थर आ रहे हैं बड़े बड़े और वो भी मीठे, तो मैंने आंटी से पूछ ही लिया, अब आंटी पान खाते हुए मुझे इतना जा रही है, अरे बेटा ऐसा है कि इनके पापा को ना बिना पान के मजा नहीं आता, थोड़ी सुपारी डाल देती है उसमें। फिर मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई तुम लोग इतना पान क्यों खाते हो, तो कहता भाई देख यार हम ना हमने ना मेरे अब्बा ने अपनी अम्मी से पूछा था कि हम गुटखा खा सकते हैं, तो मम्मी बोली अब्बा नहीं मानेंगे, फिर उसके बाद में नहीं तो बेटो हम भी ठहरे अजय देवगन के फैन, हम भी हर जगह बोलते हैं बोलो दोबा के तेरी ये खत्म हुआ सीन। अब देखो यार मैं ज्यादा लंबा क्योंकि यहाँ दिक्कत है और समझ आ रही है, तो एंड में मैं बस एक और आखिरी जो खाऊंगा
चलो जोर से मारी। तो मेरा क्या है कि मेरी जिंदगी में लड़कियां नहीं आती, मैं कभी डेट नहीं करता, दो रीजन की वजह से। किस्मत नहीं है और शकल शकल तेरे से अच्छी है। और दूसरा कि अगर मैं कभी डेट पे जाऊंगा तो मैं उसको भी रोज करता हूँ, मैं बहुत बंदा रोज करता हूँ। मतलब डेट चालू हो गई नहीं, वो आएगी नहीं, उससे पहले मार जाएगी वो गुस्सा। तो देखो यार, अब जितने भी लौंडे बैठे हैं यार, कितने कितने सिंगल हो गए, हाथ उठा लो, कितने सिंगल है। हाँ तुम्हारा मेरे को कुछ करना नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ मेरी बिरादरी कितने हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूंगा कि तुम अपनी उम्मीद पर जारी रखो, कोई ना कोई जरूर मिल जाएगी। और लड़कियों के लिए मेरे पास एक डायलॉग है, क्योंकि देखो यार ज्यादा कुछ हम कह नहीं सकते, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सारे आजकल की नली बेरोजगार भिखमंगी चोर जेबपत्री और चप्पल चोर ये भिखमंगी को कोटी मंगने वाली लड़कियां हैं।